गुड मॉर्निंग क्लास 7, टुडे इज ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास, क्लास 7, टॉपिक डेटाबेस इंट्रोडक्शन। सो योर सेकेंड चैप्टर इज एक्सेल डेटाबेस। आज की वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके थे। सेकेंड चैप्टर टॉपिक, ये आपका टॉपिक है जो हम हर एक वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, सेकंड टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, थर्ड टॉपिक एंटरिंग डेटा यूजिंग फॉर, फोर्थ इंसर्टिंग सर्चिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड इन फॉर्म, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा कस्टमर एक्सेट्रा, डेटा वैलिडेशन। ये सारा टॉपिक हम वन बाई वन देखेंगे कि क्या टॉपिक में कैसे कैसे क्या होता है। फर्स्ट डेटाबेस। सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद दिस डिटेल सो डैट इज अवेलेबल टू द सर्वर यूजर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे कि हमने हर एक कॉलम पे मार्क किया है। फर्स्ट डेटाबेस नेम, तो स्टूडेंट से रिलेटेड सारा टॉपिक को डिस्कस किए, इसलिए स्टूडेंट क्या हुआ, डेटाबेस। रो एंड कॉलम आप लोग तो जान ही रहे हैं, रो एंड कॉलम का रिकॉर्ड चैप्टर कंप्यूटर साइंस, फील्ड एंड एट्रीब्यूट मार्क किया हुआ है कि आपका फील्ड एंड एट्रीब्यूट है। फर्स्ट कॉलम रोल नंबर, सेकेंड नेम, थर्ड एड्रेस और फोर्थ फी। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो फर्स्ट आपका रोल नंबर जानना जरूरी इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपका नाम, आपको किस नाम से लाया जाए, आपका एड्रेस, आपका घर का है, और जिस फी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए हमको फ़ी पे करना होता है। ये सारा एलिमेंट, इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। अब आइए हम लोग प्रैक्टिकल, अभी हम एक्सेल टूल्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट फाइल टूल, सेकंड होम टैब, होम टूल्स, एंड थर्ड इंसर्ट। हर टूल्स में अलग अलग ग्रुप है। थर्ड पेज लेआउट, पेज लेआउट में भी अलग अलग ग्रुप है। देखिए थीम्स, पेज सेटअप, फार्मूला में भी अलग अलग ग्रुप है जो मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट डेटा भी अलग अलग कॉलम को यूज करते हैं। डेटा में रिव्यू भी अलग अलग, रिव्यू में भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। सारे ग्रुप्स कहाँ होते हैं? रिबॉन में, सारे ग्रुप्स रिबॉन में होते हैं। ये व्यू टैब आपका था। फर्स्ट हम लोग होम टैब में, होम टैब इज बेसिक टैब। बेसिक टैब में बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब में ही ये सारा सेलेक्ट, कभी भी कोई भी वर्क हम करते हैं तो होम टैब में ही ऑटो सेलेक्टेड रहता है। फर्स्ट हम कुछ प्रोफेशनल मींस कोई शॉपिंग या परचेज से कोई टॉपिक ले रहे हैं जिसमें आपको कुछ टॉपिक टाइप कर रहे हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट। आप लोग रिपोर्ट कार्ड तो प्रीवियस क्लास में भी खुद से बनाए थे, सिक्स क्लास में, याद होगा। सो अभी हम रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाएंगे, कुछ हम मार्केटिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक टाइप भी कर रहे हैं और आप लोगों को टाइप के साथ साथ आप लोगों को मर्ज कैसे करते हैं, सेल इंसर्ट कैसे करते हैं, ये सारा वन बाई वन हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं चॉकलेट, ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ है हाइड हो चुका है, उसको हम कैसे विजुअल करेंगे। अब हम लोग देखिए, ये मार्क आ रहा है, यहाँ पे एक तीर का आइकन बनेगा, देखिए बना, और इसको हम साइड करेंगे, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, क्लिक करेंगे राइट साइड ले जाकर, फिर वहाँ पूरा
विजुअल हुआ वर्ड जो भी टाइप था वो, जब तक ये मार्क, ये तीर वाला मार्क जब तक नहीं बनेगा तब तक मेरा वो साइड अलग अलग पार्टी विजुअल नहीं हो सकता था। हम लोग खुद से मर्ज करने के सेल को हाइड अनहाइड करने के लिए ये हम लोग खुद से मैनेज करते हैं। तो मैनेज करने के लिए एक एरो बनना इम्पॉर्टेंट होता है, वो एरो वैसे ही बनता है। हम लोग टाइप कर रहे हैं, टोटल सिक्स बन चुका है। अब हम लोग ऐड करना सीखेंगे किसी कॉलम को और रो को हम कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक टीचर्स, हम खुद से रिलेटेड एक वर्ड यहाँ पे देना चाह रहे हैं। ये तो सारे बच्चे का ही, बच्चे से रिलेटेड ही, खुद से मेरे नाम का भी कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर्स से रिलेटेड कुछ वर्ड लिखते हैं। सी फोर को हम, फोर कॉलम को हमने मार्क किया और यहाँ इंसर्ट किए। इंसर्ट कैसे हुआ, जिस सेल को साइड में ले जाके एरो का साइन दिए थे, टीचर्स फेवरेट भी तो कुछ होना चाहिए। यहाँ पे हम सारे को फिल कर लेंगे। अब हम लोग एक कॉलम इंसर्ट करें, सॉरी कॉलम तो इंसर्ट कर लिया, अब हम एक यहाँ देखिए शिफ्ट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट एंड रो, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। तो हमें अभी क्या इंसर्ट करना है, इंटायर रो या कॉलम? यस रो। ओके देखते रहिए आप लोग कैसे हेडिंग कैसे बोल्ड होता है, सेलेक्ट करके वहाँ हम बोल्ड वाले साइन पे जाके हम बोल्ड किए। अब सॉर्टिंग रो एंड कॉलम ग्रुप्स, हम इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, कुछ टेक्स्ट हम टाइप किए हैं उसको देखते रहिए आप लोग। क्यों वाइस आपको मे बी क्लियर ना जाता हो, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शन पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में। सो सी कस्टम सॉर्टिंग। अब हम किस किस चीज़ को हम हाइड करना चाहते हैं, किसको अनहाइड करना चाहते हैं, प्रॉफिट, और जैसे जैसे प्रॉफिट हुआ वो बड़ा होना चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके तो देखिए आप लोग प्रॉफिट में क्या था, 32 सबसे लार्जेस्ट है और 7 सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट फॉर्म नीचे और सबसे हाइएस्ट फॉर्म ऊपर, वहाँ क्योंकि वहाँ हम सेलेक्ट किए थे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हाउ टू कट एंड कॉपी पेस्ट, अब हम कट और कॉपी कैसे करेंगे सिस्टम में, डेटा को कट एंड कॉपी कैसे करें, हाउ। सो कॉपी 3.35.95 कॉपी एंड नीचे आके हम इसको पेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर सकते थे कि, और हम मेकिंग टेबल, हमें टेबल बनाए हैं। अब हम किसी टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब नीचे देख रहे हैं कि अब हम इसको कलर भी दे सकते हैं। कलर देंगे कैसे, डिजाइन टैब में जाके इसको देखिए, ऊपर में आपको डिजाइन टैब दिख रहा है, डिजाइन टैब में यहाँ से आप लोग हर एक को डिजाइन भी कर सकते हैं। सो डिजाइन अलग अलग कलर फील हो रहा है। ओके एडिंग
नेविगेशन ऑफ रीनेमिंग वर्कशीट। यहाँ से हम लोग वर्कशीट को सीट वन, सीट टू, सीट थ्री है, इसको हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, आपका जो भी नाम हो, मेरा नाम पूजा है, तो यहाँ पे हम पूजा लिख सकते हैं। सीट को आप रीनेम भी यहाँ कर सकते हो। ओके, सीट टू में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। और डेटा में देखिए, अगर हम डेटा में जाते हैं तो सारा फॉर्म जो भी हम फिल किए थे